हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं PSL की। जी हाँ, कल जो मैच खेला गया उसके अंदर आपने देखा होगा कि शाहिन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद के बीच में काफ़ी मुठभेड़ नजर आई। जी हाँ, आपने इस मैच के अंदर देखा होगा कि शाहिन शाह अफरीदी ने सरफराज को एक बाउंसर मारा था। बाउंसर के बाद बॉल सरफराज अहमद के हेलमेट पर लगी थी, जिसके बाद सरफराज अहमद को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उससे कहा कि मुझसे माफ़ी मांगो। जी हाँ, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी ने साफ इनकार कर दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं मैदान के अंदर दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी, जिसको अलीम डार रिपायर और कैप्टन हफीज ने मामले को रफा दफा किया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी इनकी आपसी बहस चलती रही, एक दूसरे को ताइना कसी करते रहे पूरे मैच में। और यहाँ तक कि सरफराज अहमद का कहना है कि शाहिन शाह अफरीदी ने कहा है दूसरे बॉलर को कि इसके सर पर बॉल मारो, इसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जी हाँ, सरफराज अहमद का ये भी कहना है कि इस PSL में शाहिन शाह अफरीदी का पारा बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ये जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते नज़र आ रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा घमंड और तकब्बुर नज़र आ रहा है। जी हाँ, वहीं पर शाहिन शाह अफरीदी का भी ये कहना है कि कभी मैंने इनकी कप्तानी में इनकी काफ़ी इज्जत की थी, लेकिन अब मैं इनसे इसी मैदान में बदतमीजी कर रहा हूँ, वो इनकी खुद की गलती है, वही तो वजह होगी जो मैं इतनी बदतमीजी से इनसे पेश आ रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आखिर गलती किसकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।